हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल मीना रेसिपीज में आप लोगों का स्वागत है। तो गोभी आलू सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर गोभी को काट कर अच्छे से धोकर ले लिया हूँ। साथ ही में लिया हूँ आलू। आलू को भी मैं पीसेस में काट लिया हूँ। अब मैं सबसे पहले गोभी को फ्राई करूंगी। तो गोभी फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई रख दिया हूँ गैस पे। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। और साथ ही में मैं इसमें डालती हूँ एक छोटी चम्मच घी। घी डालने से हमारे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसमें हम पहले गोभी को फ्राई करूँगी। तो इसमें मैं आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर दे देती हूँ और साथ ही में डाल देती हूँ गोभी। और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ तेल के साथ। तेल में इस तरह हल्दी डालने से हमारे गोभी के कलर बहुत ही बढ़िया आते हैं। और हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी गोभी अच्छे से भून चुकी है और अब मैं गोभी को निकाल लेती हूँ। तो फिर से मैं कढ़ाई में दे देती हूँ सरसों का तेल। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच जीरा, दो तेज पत्ता और साथ ही में मैं डाल देती हूँ कटी हुई प्याज। और प्याज को हम एक दो मिनट के लिए भून लेती हूँ। तो प्याज को मैं एक मिनट भून लिया हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटी हुई हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पर तीन हरी मिर्च काट कर ले लिया हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। और इसे प्याज के साथ हमें अच्छे से भून लेना है। साथ में मैं डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ताकि हमारी आलू का कलर भी बहुत बढ़िया आए। इसे मैं ढककर 4 से 5 मिनट भून लूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी आलू भून चुकी है और ये अच्छे से सीज भी चुकी है। तो अब मैं इसमें भुनी हुई गोभी डाल देती हूँ। तो अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हूँ, वो डाल देती हूँ। और इसे अच्छे से सब्जियों के साथ मिला देती हूँ। और इसे सब्जियों के साथ एक दो मिनट भून लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर प्यूरी और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ सब्जियों के साथ। अब मैं इसमें डालती हूँ सूखी मसाले। सूखी मसाले में मैं लिया हूँ एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, साथ ही में मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने पहले भी आलू भूनते टाइम डाला था, तो उसी हिसाब से हमें नमक डालना है। अब इन सारी चीजों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी पानी। पानी डालकर हमें सब्जियों के साथ मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो मैं यहाँ पर ढक देती हूँ, मसाले हमारे अच्छे से भून जाए। तो मसाले हमारे सब्जियों के साथ अच्छे से भून चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो पानी हमने यहाँ पर थोड़ा ही डाला है, क्योंकि हमें सूखी सब्जी चाहिए। अब मैं सब्जियों को ढककर 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ। और फ्लेम को मैं हाई टू मीडियम में ही रखा हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटी हुई हरी धनिया के पत्ते और इसे सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला और इसे ढक देती हूँ। तो सब्जी हमारे तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ढक कर रेस्ट करने के लिए 2 मिनट के लिए रख देती हूँ। उसके बाद हमें इसे सर्व करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे आलू गोभी की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। और इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आलू गोभी की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइए। और
मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।